है। ये गवर्नमेंट हमारे गांव की महिलाओं के लिए जो बेरोजगार थी उनको स्वरोजगार योजना दे रही है, उनको उनके उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई है। महिलाएं अपने अपने पैरों पे रोजगार के तहत खड़ी हो सकती हैं और अपने अपने हौसले को बुलंद दिखाएंगी, हम ये कर सकते हैं। और इस रोजगार के तहत जिसको जैसे कि लोगों को बैंक में जाना और वहाँ से सब कुछ अपना पैसा लेन देन करना, ये सब में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। और जैसे ये मनरेगा, इन लोगों में उनका जो इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए ये सब ये रोजगार के तहत अच्छा सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, और कुछ इस संस्था के बारे में, बीसी के बारे में बताइए कुछ, थोड़ा सा अपने स्तर बताइए आप, जो आपको समझ में आ रहा हो जुड़ने के बाद। अभी इस संस्था के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। इस संस्था में यहाँ पाए, यहाँ पे देखे, इतना ज़्यादा लोग इससे जुड़े हैं, देख के अच्छा लगा कि हाँ इतने सब ज़्यादा इससे प्रोत्साहित है इस। बताए ये एक ग्राम पंचायत एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना लाई थी। मई 2020 में इसकी वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में 2,18,000 पूरे यूपी में जो है आवेदन प्राप्त किया सरकार ने। जी जी। फिर इनको एक परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा करके 58,000 कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। जी। उन 58,000 में से हमारे ग्राम पंचायत प्रयागराज में 1,618 बीसी सखी चयनित हुई, जिनका प्रशिक्षण का ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफिकेशन हमारे आरसीटी प्रयागराज से करने के लिए निर्देश आया। उस तत्क्रम में हमने अभी लगभग 850 ट्रेनिंग कंप्लीट करवा लिए हैं। जी। और यह है हमारे पांच बैच, 25वां बैच है, लगभग 20 बैच हमने ख़त्म कर लिया है, पांच बैच और आगे रनिंग है, जिनमें से 102 महिलाएँ प्रतिभाग कर रही हैं। 6 दिन आवासीय ट्रेनिंग होती है, 7वें दिन इनका ऑनलाइन परीक्षा होती है, IIBF की एग्ज़ाम होता है, उसमें परीक्षा पास करके ये अपने ग्राम पंचायत को वापस जाएंगे। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव की जो है बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं हैं, वह बैंकिंग सुविधाएं उसी ग्राम पंचायत में देगी, न्यू मजबूत करना है। हाँ, पंचायत भवन मिलेगा, पंचायत भवन में एक इनको ऑफिस बनेगा, वहीं पर बैठकर गांव की जो सारी बैंकिंग सुविधाएं हैं, चाहे नरेगा का पैसा हो, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे आवास का हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे खाता खोलना हो, ये सारा काम वहीं पे गांव का करेगी। इसमें ग्राम प्रधान की सहमति रहेगी? ग्राम प्रधान की सहमति रहेगी, क्योंकि सरकार की मंशा के अनुरूप है, तो ग्राम प्रधान का विशेष रूप से सहयोग रहेगा। और इसमें हमारा जो संस्थान है ये ट्रेनिंग का पार्ट है, तो इनका ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ये हमारा बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित आरसीटी प्रयागराज द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रयागराज में चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टनर बैंक है, ये सारी बीसी जो है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जिनको बोलते हैं हम, बीसी सखी, ये हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा से बनेगी।